गाइस हाउ आर यू ऑल, दिस इज़ मी सलोनी सिन्हा एंड वेलकम बैक टू जस्ट ए कॉस्मेटिक्स। सो गाइस, आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं क्लोथिंग के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मेकअप के बारे में तो मैं हमेशा बात करती हूँ। मैं आज आपको बताऊँगी कौन सी साड़ियाँ आपको पहननी चाहिए शादी सीज़न। तो आप कन्फ्यूज़ हो तो मैं आपको वैराइटीज़ दिखाऊँगी जिससे आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, पहले क्या था कि लोग ना साड़ी पहनना उतना पसंद नहीं करते थे। साड़ी काइंड ऑफ ओल्ड फैशन था, बट आज के जनरेशन में लोग साड़ी को बहुत प्रेज करते हैं। आजकल बहुत सारे वैराइटीज़ आ गए हैं साड़ी में, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सो सबसे पहला मेरा जो थीम है, मैंने रिसेंटली ये परचेज़ किया था, ये साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक साड़ी है जो एकदम प्लेन है, इसमें कुछ डिज़ाइन नहीं है, बस ये साड़ी ना ऐसे क्रस्ट है, यहाँ पे ना प्लेट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे प्लेट्स बने हुए हैं। साड़ी बहुत सॉफ्ट है, पहनने में बहुत कम्फर्टेबल है। मैं आपको रेफरेंस के लिए एक पिक्चर भी दिखाती हूँ। ये साड़ी कुछ इस टाइप का दिखता है, आप देख सकते हो उसके पल्लू में ऐसे क्रश बने हुए हैं। एक्चुअली उसके पूरे साड़ी में ऐसे क्रश है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आप ट्राई कर सकते हो। एंड आप ऐसे साड़ियों के साथ ना ऐसे बेल्ट्स कैरी कर सकते हो अगर आपको साड़ी संभालने में दिक्कत होती है तो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ अ फेक सव्यसाची बेल्ट, इट्स लुक्स परफेक्ट। ओके, सो नंबर टू इज दीज काइंड ऑफ रफल साड़ीज। रफल साड़ीज बहुत बेस्ट लगते हैं अगर आपकी ना बॉडी बहुत स्लिम है। मैंने रिसेंटली ऐसे रफल साड़ीज लिए थे एंड ये मेरे पे बहुत प्रिटी लग रहा था, आप देख सकते हैं फोटो में। किसी किसी लोगों में अच्छा नहीं लगता, बट हाँ, जो अगर आप स्लिम ट्रिम हो तो आप पे बहुत अच्छा लगेगा। इवन आपकी स्किन थोड़ी बल्की है तो भी अच्छा लगेगा। एंड ये आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, तो आप देख सकते हो ये ऑनलाइन भी या फिर जनरल मार्केट। तो जैसे कि अभी विंटर सीज़न भी आ रहा है, अभी शादी सीज़न भी साथ में आ रहा है, तो आप इस टाइप की साड़ियाँ यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ये साड़ी ऐसे ये स्टाइल की साड़ी पहनोगे तो एक तो ये रीज़न है कि आप स्टाइलिश लगोगे और साथ ही साथ ना आपको ये ठंड से भी बचाएगा। एंड मुझे तो ये बहुत फैशनेबल लग रहा है, तो और ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल भी है, तो आप इस टाइप की भी साड़ियाँ ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे बहुत क्यूट एंड प्रिटी लगेगी। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट साड़ी की बात करें तो इस टाइप की साड़ियाँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये सबके घर में अवेलेबल होती है अगर आपकी मम्मी या दादी पहनती हो। साड़ी ना ऐसे सिल्क साड़ी है, तो अगर आप बहुत लंबे हो ना, आपकी हाइट अच्छी खासी है, या फिर आप 5'4" या 5'5" भी होता, तो आप ऐसी साड़ियाँ पहन सकते हो जिसमें आपका ना एक तो हाइट बहुत अच्छे से इन्हेंस होके आएगा, और लंबे लोगों पे ना ऐसी साड़ियाँ बहुत प्रिटी लगती है। और सिल्क की साड़ी तो सबके घर पर अवेलेबल होती होंगी। अगर आपके पास विंटेज साड़ी है तो ये सबसे बेस्ट होगा रादर दैन बाइंग ऑनलाइन। एंड मुझे तो ये बहुत प्रिटी लगा। एंड नेक्स्ट इज़ दीज काइंड ऑफ साड़ीज। आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लाउज़ का काम कितना मस्त है। थोड़ा आपको ये ठंड से भी बचाएगा और साथ ही ये थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगेगा। एंड ब्लाउज़ में भी आजकल बहुत सारे वैराइटीज़ आ गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ब्लाउज़ भी स्टिच करवा सकते हो या फिर प्लेट्स बेल्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको साड़ी संभालने नहीं आती तो ये हैक बहुत यूज़फुल हो सकता है। नेक्स्ट इज दीज काइंड ऑफ डिज़ाइनर साड़ीज। आई एम इन लव विद दिस साड़ी। एंड इसका डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये कितना प्रीटी लग रहा है और कलर भी कितना ऑसम है। तो आप इस टाइप की ऐसे गाउन्स आपने देखा होगा रेड कारपेट में, तो इसी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है साड़ी में। तो आप ऐसी साड़ियाँ ब्लाउजेस पहन सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो। साड़ीज़ कॉकटेल पार्टीज़ में या फिर रिसेप्शन पार्टीज़ में बहुत प्रीटी लगती है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, और इसमें ज़्यादा आपको मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा। दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आप मुझे बताओ कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा। अगर यूज़फुल रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो। एंड आगे की वीडियोज़ में क्या देखना चाहते हो ये भी बता दो मुझे। एंड अगर आप कन्फ्यूज़ थे कि कौन सी साड़ियाँ लेनी चाहिए फ्यूचर के लिए या फिर शादी सीज़न में क्या पहनना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।